हकीकत ये है कि किसानों के ये दुश्मन हैं, किसानों के हिमायती नहीं है। और किसान देश का पेट भरता है, किसान सबसे ज्यादा जो योगदान पाता है, ये 80 करोड़ लोगों को जिनको आप फ्री राशन देते हैं, उस किसान के साथ आप दुश्मनी क्यों दिखा रहे हैं। मैं अपील करती हूँ सरकार को कि जो MSP लीगल गारंटी स्वामीनाथन कमीशन की रेकमेंड C2+50% उसको लागू करें। तो फ्लड रिलीफ आपने राज्यों को दिया, बहुत अच्छी बात। जैसे मेरे सहयोगी ने मेरे से पहले बोला कि ये जो पानी आता है हिमाचल को आपने दिया पैकेट, तो हिमाचल का पानी पंजाब में आके पंजाब को जब डुबो देता है और तबाही मचाता है, तो पंजाब को आप क्यों भूल जाते हैं। जब पानी डैम में भर जाता है तो आप डैम खोल देते हैं और हमारा पंजाब डुबा देते हैं। जब घग्गर रिवर का लेवल ऊपर हो जाता है तो चुप चुप इतने दसात के राज्यों को बचाने के लिए बंद तोड़ देते हैं और हमारे गाँव को डुबा देते हैं। तो जब बाढ़ आती है तो उनको आपने दिया पैकेज, में उसका आपको आभार प्रकट करती हूँ, लेकिन हमारे राज्य के साथ क्या दुश्मनी है। क्या पंजाब के जनता, पंजाब के लोग, पंजाब के किसान, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को मैटर नहीं करता। और हैरानी की बात सर, जब बाढ़ आती है तो पंजाब सफर करे, जब पानी की कमी हो जाती है तो फिर कांग्रेस हो, आम आदमी हो, भाजपा हो, सारे इकट्ठे होके षड्यंत्र खेले कि SOL की नहर बनाइए ताकि पंजाब का पानी दूसरे राज्य को जाइए। तो जब पानी कम होता है तब तो हमारा पानी चुराना चाहते हैं, जब पानी उनमें ज्यादा हो जाता है तो पंजाब को फ्लड कर देते हैं। और सर आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ, तकरीबन 70 साल पहले इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने रिपेरियन प्रिंसिपल्स के खिलाफ हमारा पानी राजस्थान को दे दिया और कहते थे एक साल में उस पानी का कॉस्ट क्या होगा आपको डिसाइड करके मिले। 70 साल से आज तक डिसीजन नहीं हुए। तो जो पानी हमारा दूसरे राज्य को रिपेरियन प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है, या उसको बंद किया जाए या हमें उसका पैसा दिया जाए, ये मैं आपसे आज मांग करती हूँ। आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ, तकरीबन 70 साल पहले इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने रिपेरियन प्रिंसिपल्स के खिलाफ हमारा पानी राजस्थान को दे दिया और कहते थे एक साल में उस पानी का कॉस्ट क्या होगा आपको डिसाइड करके मिले। 70 साल से आज तक डिसीजन नहीं हुए। सर मैं तो मांग करूंगी कि इस बजट का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि ये देश का बजट नहीं, ये सरकार बचाओ बजट है। जब देश का बजट होता तो फिर देश में 28 राज्य हैं, कितनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं सब मिला के, तो ये तो 37 के करीब हो, लेकिन पूरे बजट में केवल 9 राज्यों का नाम था। और सबसे उसमें ज़्यादा बजट तो वो दो राज्यों को मिला जिसकी लाठी के, जिसके कंधे के सहारे में ये सरकार चल रही है। तो ये देश का बजट नहीं सर, ये सरकार बचाओ बजट था। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि बजट में नेचुरल कलेमिटीज़ और धर्म के नाम पे भी पक्षपात किया गया है। ये तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ। बहुत अच्छी बात कि आपने धार्मिक स्थानों को, बोधगया को, राजगीर को, जहाँ जहाँ आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस श्री दरबार साहब पे, अमृतसर साहब पे रोज 2 लाख लोग नतमस्तक होते हैं, उनको मुफ्त खाना मिलता है, सबसे बड़ा दुनिया भर, देश भर के लोग वहाँ पे जाते हैं, और जहाँ पे सारा दिन सरबत के भले की अरदास होती है, उसका तो आपने नाम तक नहीं लिया। और फिर मैं नेचुरल कमेलिटीज़ की बात करूँ तो फ्लड रिलीफ आपने राज्यों को दिया, बहुत अच्छी बात। जैसे मेरे सहयोगी ने मेरे से पहले बोला कि ये जो पानी आता है हिमाचल को आपने दिया पैकेट, तो हिमाचल का पानी पंजाब में आके पंजाब को जब डुबो देता है और तबाही मचाता है, तो पंजाब को आप क्यों भूल जाते हैं। जब पानी डैम में भर जाता है तो आप डैम खोल देते हैं और हमारा पंजाब डुबा देते हैं। जब घग्गर रिवर का लेवल ऊपर हो जाता है तो चुप चुप इतने दसात के राज्यों को बचाने के लिए बंद तोड़ देते हैं और हमारे गाँव को डुबा देते हैं। तो जब बाढ़ आती है तो उनको आपने दिया पैकेज, में उसका आपको आभार प्रकट करती हूँ, लेकिन हमारे राज्य के साथ क्या दुश्मनी है। क्या पंजाब के जनता, पंजाब के लोग, पंजाब के किसान, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को मैटर नहीं करता। और हैरानी की बात सर, जब बाढ़ आती है तो पंजाब सफर करे, जब पानी की कमी हो जाती है तो फिर कांग्रेस हो, आम आदमी हो, भाजपा हो, सारे इकट्ठे होके षड्यंत्र खेले कि SOL की नहर बनाइए ताकि पंजाब का पानी दूसरे राज्य को जाइए। तो जब पानी कम होता है तब तो हमारा पानी चुराना चाहते हैं, जब पानी उनमें ज्यादा हो जाता है तो पंजाब को फ्लड कर देते हैं। और सर आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ, तकरीबन 70 साल पहले इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने रिपेरियन प्रिंसिपल्स के खिलाफ हमारा पानी राजस्थान को दे दिया और कहते थे एक साल में उस पानी का कॉस्ट क्या होगा आपको डिसाइड करके मिले।
70 साल से आज तक डिसीजन नहीं हुए, तो जो पानी हमारा दूसरे राज्य को रिपेरियन प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है, या उसको बंद किया जाए या हमें उसका पैसा दिया जाए, ये मैं आपसे आज मांग करती हूँ। सर दूसरा मैं ये भी आपसे मांग करती हूँ कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो कह रहा है कि पंजाब के सारे ब्लॉक्स क्रिटिकल हो गए हैं, हमारे ट्यूब हमारे वेल्स में पानी नीचे जा रहा है, आज की रिपोर्ट तो ये भी है कि टॉक्सिसिटी इतनी हाई है कि पीने लायक नहीं है, तो ये सर हम लोग को तो मदद करनी चाहिए और इस पूरे बजट में मदद की बात दूर, हमारा नाम तक नहीं लिख गया। हमें डिमांड करती हूँ कि पंजाब को भी दिया जाए। दूसरी सर मैं किसानों पे आना चाहती हूँ। चार पिलर बोले थे, युवा, महिला, गरीब, किसान। किसानों को तो मैं बोलना नहीं चाहती, जो कितने किसान खुदकुशी कर चुके हैं, शहीद हो गए हैं, आज तक धरने में बैठे हुए हैं। लेकिन जो ये किसान हकी सरकार होती जो कहती थी 2022 तक हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, तो मुझे इतना ही समझा दे कि 2022 से इसमें तो फार्म एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.7 थी, तो फिर पिछले साल 1.4 क्यों रहेगी जो इनकी पॉलिसीज इतनी अच्छी है। हकीकत यह है कि किसानों के ये दुश्मन हैं, किसानों के हिमायती नहीं हैं। आज हर एक तरह से महंगाई की मार देखिए। आज जो आठ साल पहले 40 किलो का बीज का एक बैग होता था, वो 800 से 1200 होता था, 2000 हो गया। DAP 3 गुना बढ़ गई कीमत। पोटैश 900 से 1700। जो लेबर का कॉस्ट होता था वो भी 3 गुना हो गया। जो हार्वेस्टिंग के लिए होता था वो भी 3 गुना हो गया। जो मशीनरी की रेंटल होती थी, डीजल आपने 47 से 90 कर दिया, तो वो आप सोच ले कहां तक। सो जहां किसान को रिलीफ देनी थी उसमें रिलीफ क्या दी, मनरेगा में जीरो इंक्रीज। लोग सोचते थे आप बढ़ाएंगे, अमाउंट बढ़ाएंगे, दिन बढ़ाएंगे, जीरो। क्रॉप इंश्योरेंस क्रीप को -2.6% उसके अमाउंट में कटौती करी। यूरिया सब्सिडी में -7.4 की कटौती। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में -25% कटौती। गरीब कल्याण योजना का बजट 3.3% घटा दिया। किसान सम्मान निधि का 10% घटा दिया। 18 से 22 तक जितने फार्मर्स कवर अंडर PM फसल बीमा योजना, या सबका 8-9% उनका कट गया। और पंजाब की जब मैं बात करूं, तो पंजाब की बेनिफिशरी जो PM किसान निधि में थे और आवास योजना 2018 से घटते ही जा रहे हैं सर। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जो किसान देश का पेट भरता है, किसान सबसे ज्यादा जो योगदान पाता है, ये 80 करोड़ लोगों को जिनको आप फ्री राशन देते हैं, उस किसान के साथ आप दुश्मनी क्यों दिखा रहे हैं। मैं अपील करती हूँ सरकार को कि जो MSP लीगल गारंटी स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंड C2+50% उसको लागू करें। मैं ये भी विनती करती हूँ, सजेशन सब दो चार सजेशन देती हूँ कि जब तक आप नहीं करते, कम से कम भावांतर स्कीम लाइए जिसकी MSP पे नहीं बिक रही हो, मिडल जो बीच का रह जाता है वो दे। एक फार्मर फ्रेंडली क्रॉप इंश्योरेंस कोई स्कीम आप लेके आए जिससे किसानों का फायदा हो, इंश्योरेंस कंपनी का नहीं। और जो किसान के जो इम्प्लीमेंट्स हैं, इन पे आप GST को खत्म करिए ताकि किसानों का कुछ फायदा हो, उनकी फल सब्जियां बचे, जिससे किसान की महंगा मानसून आ रहा है, टमाटर के रेट कहाँ चले जाएंगे। जी आप इंप्लीमेंट्स में जीरो करें तो बहुत कुछ फायदा हो जाएगा। सर आखिर में पंजाब की इंडस्ट्री, 7 की स्टेटों को टैक्स इंसेंटिव देके तबाह कर दिया, हमारी इंडस्ट्री भाग गई है। मैं सिर्फ इतनी बेनती करती हूँ कि FN साहब लुधियाने गए थे, वो मंत्री बनी बैठे हैं अब, वहाँ पे लुधियाने गए थे, जहाँ पे उन्होंने MSME इंडस्ट्री को बोला था कि जो अमेंडमेंट 43B जिसमें मैंडेट किया जाता है कि 44 डेज में आप पेमेंट करिए, नहीं तो आपके जो टैक्स इंसेंटिव फॉरफिट हो जाते, वो इस बजट में उन्होंने नहीं किया। वो बहुत देख रही थी कि इंडस्ट्री करे। सर दो मिनट, जो हमारी साइकिल इंडस्ट्री है, जो हमारी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंडस्ट्री है, मैं आपको बेनती करती हूँ इंसेंटिव। इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के साथ 2019 से हमारा वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, बहुत नुकसान हुआ है, ये बॉर्डर खोला जाए और हमारे राज्य को कोई टैक्स इंसेंटिव दिए जाए साइकिल इंडस्ट्री को, स्पोर्ट इंडस्ट्री को, बॉर्डर खोल के, ताकि हमारे इधर का व्यापार बढ़े और नौकरियां भी बढ़े। आखिर में सर मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगी, ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में पंजाब के खजाने को लूट के तबाह कर दिया है। हमारा यहाँ पे इतना ज्यादा, हमारा इतना ज्यादा करोड़, 3.4 लाख करोड़ का कर्जा एक छोटे से राज्य पे चढ़ गया। GSDP रेशो 49% हो गया है। तो सर आप इनको सजा देने के लिए आप RDF रोक देते हैं, हेल्थ मिशन का रोक देते हैं, पर पंजाब के लोगों का क्या कसूर है। मैं आपको बेनती करती हूँ, जो हमारा पैसा है वो आप पैसा आप दीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो देश में उसका दुगना है, ड्रग अब्यूज से हमारा राज्य जूझ रहा है,
और पंजाब में औरतों का तो ये हाल है कि कुपोषण वो भी बढ़ गया है, अनीमा भी बढ़ गया है, और आंगनवाड़ी के जो राशन मिलता है गरीब बच्चियों के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स और बच्चों के लिए, वो इनकी सरकार ने, आम आदमी की जो सरकार वहां पे है, वो वेरका मिल्कफेड प्राइवेट आधारों से लेके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को देके सब स्टैंडर्ड चीजें लोगों को देके करोड़ों का घपला हो रहा है। तो सर पैसे ना रोकिए, इनको पीनलाइज करिए ताकि लोगों को उतना हक मिले। और सर फिर मैं यही कहूंगी कि सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन 32% एससी पॉपुलेशन पंजाब में है सर। सबसे बड़ा ग्रैनरी को योगदान पंजाब देता है, फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे बड़ा योगदान हमने दिया। इस राज्य के मांगों को पूरी करके हमारे किसानों को, हमारे चंडीगढ़ की राजधानी हमें दीजिए, हमारा पानी दूसरे राज्यों को जा रहा है उसको रोक के उसकी रॉयल्टी हमें दीजिए, नहीं तो वो सारे फैसले रिवोक करके हमारा पानी पंजाब पे रखिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया।